मुझे लगता है कि अगर हम गुड गवर्नेंस शब्द को खोजने की शुरुआत करेंगे तो पहली बार 1992 में इसका जिक्र हुआ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, और उसके जो 8 मुख्य सिद्धांत उस समय तय हुए, जन भागीदारी पहला था, आम सहमति दूसरी थी, जवाबदेही तीसरी थी, पारदर्शिता उत्तरदायी प्रभावी कुशल न्यायसंगत और समावेशी शासन प्रक्रिया, सरकारी संस्थाएं योजना विभिन्न कार्यक्रम समाज कल्याण की गतिविधियां, यह सभी प्रयास प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसकी जरूरत के मुताबिक लाभ पहुंचे और आवाम यह भी देख सके कि जिन कार्यों के लिए रुपया दिया जा रहा है वह रुपया उन्हीं कार्यों पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के किसी भी पंचायत में बैठा हुआ व्यक्ति देख सकता है कि उसके गांव में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से बनाए गए प्लान या सरकारी तौर पर किए जा रहे काम में कितने पैसे आए हैं और किस काम पर खर्च हुए हैं। सब कुछ जेके बीम्स इम्पावर योजना के तहत पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है ताकि हम जवाबदेह सुशासन लोगों तक पहुंचा सकें, और मैं मानता हूं कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी लाने वाला जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा।